नमस्कार, जीएन भारत से मैं हूँ राखी रक्षा और फिलहाल हम मौजूद हैं डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान में, जहाँ पे प्रवीण परिमल जी द्वारा लिखित कविता संग्रह प्रेम का रंग नीला का आज लोकार्पण किया गया। प्रेम मनुष्य के लिए एक प्रज्वलित दीप है तो प्रेमिका एक दीपशिका। नितांत एकाकीपन के क्षणों में ऐसी कविताएं हमें संबल प्रदान करती हैं, हमें तराशने का काम करती हैं। सर, सबसे पहले तो इसका लोकार्पण के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। धन्यवाद, धन्यवाद आपको जी सर। सर, प्रेम का नीला रंग, सर इस शीर्षक पे सर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। मेरे हिसाब से जो सबसे प्रिय रंग होता है वो नीला ही होता है। अगर आप ध्यान देंगी आसमान की ऊंचाई की ओर, उसके विस्तार की ओर, तो वहाँ पर आपको नीला रंग ही नज़र आएगा। समुद्र की गहराई को अगर आप ध्यान से देखेंगी तो वहाँ भी आपको नीला रंग ही मिलेगा। तो जिस प्रेम में गहराई हो, जिसमें विस्तार हो, वो आजकल वाला, आज की जनरेशन वाला 2 मिनट्स नूडल वाला प्यार नहीं है, ना खाया पकाया और हो गया, तो आपको वो नीला रंग ही दिखाई पड़ेगा। इसलिए मैंने इस संग्रह का नाम प्रेम का रंग नीला रखा है। और इसमें आपको, इस किताब में, पूरी किताब में इस शीर्षक से न तो कोई कविता दिखाई पड़ेगी और ना ही कोई गीत दिखाई पड़ेगा। सिर्फ एक जगह नीला शब्द आता है कि प्रेम कोई कपूर की टिकिया तो है नहीं, प्रेम चिड़िया का नीला अंडा है जो आज नहीं तो कल फूटेगा, और जब फूटेगा तो क्या क्या होगा, और फिर कविता में है जी। सर, सर जैसा कि आपने कहा कि जो प्रेम का आपने वर्णन किया है सर, वो आजकल के प्रेम के जैसा नहीं है कि 2 मिनट पकाया। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, आजकल अगर देखा जाए तो युवाओं का जो ट्रेंड है सर, सर आजकल पॉलिटिकली वो बहुत एक्टिव हो रहे, क्रांतिकारी विचार युवाओं में ज्यादा आ रहा है सर। और बिल्कुल होने भी चाहिए। ऐसे समय में सर आपने क्रांति पे कोई कविता ना लिखे, सर प्रेम जैसे मार्मिक विषय को क्यों चुना? क्रांति पर भी बहुत सारी कविताएं हैं मेरी। मैं प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़ा हुआ हूं और प्रगतिशील विचारधारा से सहमत रहता हूं, और इस तरह की कविताएं ढेर सारी मैंने लिखी हुई हैं। लेकिन जब प्रेम पर एक संग्रह निकालने की बात हो रही थी तो उन्हीं कविताओं का सिलेक्शन किया गया जो इस शीर्षक के अंतर्गत आ पाने लायक थी, चाहे वो गीत हों या कविता। जी सर, आज की जनरेशन जब वैलेंटाइन डे मनाती है सर, तो क्या लगता है आपको ये आज का प्रेम और ये जो इसका एक दिन निश्चित करना, ये प्रासंगिक है? यही दुर्गुण है, इसे ही मैंने 2 मिनट्स नूडल के रूप में व्यंग किया है। प्रेम के लिए कोई एक दिवस निर्धारित थोड़ी है, प्रेम तो 365 दिन आजीवन होना चाहिए। आप जिससे भी करें, जैसे भी करें, कोई ज़रूरी नहीं कि प्रेमिका के से ही प्रेम करें। और एक टेडी दे देना, एक गुलाब दे देना, एक चॉकलेट दे देना, अगर इसी को प्रेम कहा जाएगा, किसी ने सच्ची कहा है किसी फेसबुक पर कि अगर गुलाब दे देने से ही अगर प्रेम प्रदर्शित होता है तो माली तो पूरे शहर का प्रेमी होता है जो गुलाब का खेती करता है और गुलाब की दुकान पर गुलाब की कलियाँ बेचता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर जीएन भारत से बात करने के लिए। मैंने आपकी कविताएं सुनी सर, काफ़ी प्रभावशाली है, और हम उम्मीद करेंगे कि ऐसे ही हमें आगे भी सौभाग्य मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। ज़रूर मैं कोशिश करूँगा फिर इस तरह की कोई कविता लाने की, किताब लाने के लिए। बहुत धन्यवाद।